बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? अल्लाह अच्छा रखो, सेहत दियो, हिदायत दियो, नमाजी बना दो। ये बीमारी से बचाओ, आजमाइश से बचाओ, हर हर बीमारी से बचाओ। अल्लाह सब बच्चों को, मेरे बच्चों को हिदायत दो। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज देखिए, हैदराबादी कोफ्तों का सालन बना रही। बकरीद आ रहा ना, आप लोग भी बना सकते। गोश्त तो रहता है, क्या रहता है कि बहुत लोगों परेशान है, कोई भी नहीं काट रहे, थोड़े लोग हम भी नहीं सोचे काटने का। कहीं हिस्सा दिए तो कहीं गांव में देना पड़ रहा, वहाँ मदरसे में गरीबों को पहुँचता इंशाल्लाह, वैसी छो अल्लाह करे। गोश्त साफ डोली में, बीफ, चने की दाल, लहसुन छिलका नहीं निकले तो भी चलता, डाल दिए तो भी, नमक, मिर्ची, हल्दी, प्याज, अदरक नहीं डालना, लहसुन डालना खाली इसमें। ये हरी मिर्ची मेरी बहुत तेज़ है, ये वाले गिड्डे वाले, वो लंबे वाले अच्छे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक का अच्छा रखे अल्लाह, आगे भी अच्छा रखो, हर बीमारी से बचा। कोतमीर, पुदीना, कोतमीर का काढ़ियाँ डाली मैं, ओनली कोतमीर भी डाल सकते हो, और जो है थोड़ी तेल और पानी डाल के ये उबलने के बाद बताती हूँ इंशाल्लाह। ओके व्यूअर्स, गोश्त गल गए मेरा, उसमें जो है सो फिर से कोतमीर, पुदीना, ये दो डल्ली में प्याज उबाल ली, फ्राई नहीं करना है कोरमे के लिए, एक डल्ली कुत्ता इसमें भी डाले पीसने के लिए। सूप गल गए, फिर से कोतमीर के काढ़ियाँ, सूप डाल दी, ये पीस लेती, ये अंडा डाल लेके पीस लेती फोड़ के। और कोरमे के लिए उबले हुए प्याज, फल्ली, खोपरा, ये क्या बोलते हैं इसको, याद आए सो फिर बोलती हूँ, भूल गए इसका नाम सिरोंजी, सिरोंजी, सॉरी सिरोंजी। ये डाले तो अच्छा तेल चुड़ता खोरमा में कभी भी। ये कच्चा खोपरा डाल रही मैं, कच्चा नहीं है तो भी चल रहा है, ये दिनों में थोड़ा रहता, कच्चा खोपरा डाले तो ज़्यादा नहीं रहता, खराब हो जाता, मगर ताकत है कच्चा खोपरा ज़्यादा से। ये पीस कर बताती, मसाला भी रोस्ट करके पीस कर बताती। पीस ली मैं गोश्त, उसके बाद मैं ना ऑयल गरम हो रहा, ये राई का तेल है इसलिए येल्लो है, पीला पीला बिस्मिल्लाह, ये सब फ्राई कर लेती। उसके बाद मसाला भी भून ली, दही भी एक साथ डाल दे के मसाला में पीस लेती, उसके बाद बताती। फ्राई हो गए मेरे गोश्त के लड्डू, तेल थोड़ा कम हो गया ना, और थोड़ा डालते हैं, ऐड करते हैं, थोड़ा तेल ज़्यादा ही रहना ना। उसके बाद मसाला भी पीस ली मैं, मसाले मिर्च, नमक, मिर्ची, अदरक, लहसुन, हल्दी डाल ली मैं। उसके बाद मसाला तेल में डाल देती हूँ, गरम मसाला भी डालती हूँ, हरा मसाला, बिस्मिल्लाह, अच्छा सा भून के बता दी। देखिए अच्छा सा मसाला भुने जा रहा, पहले पीला था ना मसाला, वाइट डाल दे तेल में, अब लाल हो गए भुन भुन के, ऐसा स्मेल देखना दही से, तो कच्ची स्मेल नहीं आना। ऐसा भूनते भूनते आधा घंटा लग गया मेरे को भूनते भूनते, बीच बीच में भूनते रहना, नहीं तो फिर नीचे लग जाता। और थोड़ा पकने के बाद एक 5-10 मिनट भून लेती, उसके बाद बताती। पानी छोड़ना है गरम मसाला, फिर से थोड़ी गरम मसाला छोड़ना है, खत्म। तेल अच्छा से छूटा ना, देखिए बन गए मसाला, इतना सारा था ना मसाला, कम हो गए, देखिए भूनते भूनते कम हो जाता, थोड़ा नीचे दाग भी लग जाता। असल मसाला वाइट जाके पीला जाके ऐसा रेड हो जाए तो जब अच्छा भुने गए समझा। थोड़ा लोगों के घर में देखती हूँ कच्चा मसाला की स्मेल, और मैं इसमें पानी नहीं डाल रही, सादा वाली, ये देखिए 1 लीटर दूध फूट गया, रात में फ्रिज में नहीं रखे तो फूट गया, उसका मैं क्या करी, और थोड़ा नींबू डाल के फोड़, ये पानी डाल रही इसमें, बिस्मिल्लाह, जितना चाहिए आपको, बहुत टेस्टी रहता है ये पानी, जितना पतला होना, गाढ़ा होना, ये
इसको जैसे से मैं मीठा बनाऊंगी असर की अजाहरी। ये थोड़ा गर्म होने के बाद बताती हूँ, फिर गरम मसाला डाल के डिश आउट कर। देखिए तेल चुट रहा अच्छे से। अब क्या करना है, गरम मसाला डालती हूँ। आप सुन नींबू, आधा नींबू और हरा मसाला। ये थोड़ा दम होने के बाद डिश आउट करके बता दें। कोफ्ते भी डाल देना है इसमें। अच्छा तेल छूटता दम पे रखे तो स्लो पे एक दो चार मिनट, उसके बाद डिश आउट करके बता दें। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बनकर रेडी है मेरा कोफ्तों का सालन। अब भी डिश आउट करके बता दें। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बनकर रेडी है, अच्छी स्मेल आ रही माशाल्लाह। आप लोग भी ट्राई कीजिए। अभी बकरीद आ रहा, गोश्त शायद मिलेंगे, पता नहीं, कोई काटते नहीं काटते। अल्लाह सबकी परेशान दूर करो, हमारे परेशान दूर करो। हिदायत दो, नमाजी बना दो। और जो है सो दूध कभी भी फूट गए सो मत डालिए, उसका थोड़ा प्रोसेस रहता, मैं कभी बताऊंगी। वो ठंडा पानी डालना तो जब ही उसकी गंदी स्मेल चले आती, नहीं तो फूटते ही कि वो दूध डाले तो फिर सालन खराब हो जाता। ओके, आप लोग भी ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक ही बार सब्सक्राइब करना है, अभी सब्सक्राइब जो है वो लोग मत दबाइए बार बार राइट साइड का। वो कोई भी नए लोग देख रहे तो उन्हों सब्सक्राइब करना है। ओके, अल्लाह हिदायत दो, नमाजी बना दो, ये बीमारी से बचाओ। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। फुल पानी पड़ने वाला जैसा दिख रहा बारिशों में, बारिश की दुआएं अल्लाह कबूल करते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफी, वीडियो देखे इसको जजाक अल्लाह खैर, अल्लाह खैर करे आपके साथ हमारा साथ। आमीन।